नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बाबा की प्रेम दीवानी, जी हां, बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की कामना लेकर एमबीबीएस की एक छात्रा ने पदयात्रा शुरू की है। गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सर पर गंगा जल कलश लेकर जा रही है पदयात्रा 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है। बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। शादी की बात से ही वो दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उनके पीछे पड़ गया है, जिससे आसानी से बच पाना इस बार बाबा के लिए मुश्किल होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाबा बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से ब्याह रचाने की हसरत दिल में पाले उनके धाम की तरफ कूच कर चुकी है। टीवी स्क्रीन पर भगवा कपड़ों में दिखाई दे रही ये हैं शिवरंजनी तिवारी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ा संकल्प लेकर बाबा के दर पर पहुंचने वाली हैं। ये गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर निकली हैं। 16 जून को शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के दर पर पहुंच जाएंगी। शिवरंजनी से जब बाबा बागेश्वर से शादी की बात पूछी गई, तब उन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो 16 जून को जब बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी उसी के बाद इस रहस्य से पर्दा हटेगा। जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने सर में कलश रखा है, तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपनी शादी की बात से खंडन कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रशंसक शिवरंजनी तिवारी अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, शिवरंजनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्राणनाथ शब्द का भी जिक्र कर रही हैं। तो एक बार फिर सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधना चाहती हैं? क्या वो उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की कामना रखती हैं? क्या 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या 16 जून को ही बाबा की शादी के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा? 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। अपनी यात्रा के दौरान शिवरंजनी चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची, परिसर में भजन मंडली भी सजाई, अपने दिल में मनोकामना लिए साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। शिवरंजनी एमबीबीएस की छात्रा हैं और 2 साल से वो बाबा बागेश्वर सरकार को फॉलो कर रही हैं। बचपन से ही वो अध्यात्म से जुड़ गईं। 4 साल की उम्र से वो भजन गा रही हैं और 8 साल तक संगीत की शिक्षा भी ली है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्री बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूँ। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं। देश दुनिया में उनके करोड़ों की संख्या में फैन है। उनका दिव्य दरबार पूरे देश में लग रहा है, जिससे हर तरफ उनके दरबार की धूम है। बाबा हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनके फैंस में उनके प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। शिवरंजनी तिवारी भी उनके दरबार में जाने की तमन्ना रखती हैं। 16 जून को बाबा के दरबार में फिर कुछ बड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर सरकार के साथ शिवरंजनी की कथित शादी पर 16 जून को सच सामने आएगा। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 16 जून को बाबा बागेश्वर के दरबार में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल शिवरंजनी के मन में क्या चल रहा है ये टटोलने की कोशिश हम जरूर करेंगे। खुद हमारे साथ शिवरंजनी तिवारी जी जुड़ चुके हैं।
शिवरंजनी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैं न्यूज 18 पर। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आपको सुनना चाहता है और उतनी ही उत्सुकता से हम भी ये जानना चाहते हैं कि शिवरंजनी तिवारी के मन में क्या है और क्या उद्देश्य है इस कलश यात्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम की, जय श्री सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। तो देखिए, जितनी भी सब बातें चल रही है, मैं शादी करने जा रही हूँ, शादी का रिश्ता लेके जा रही हूँ, मनचाहा वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, इन सभी बातों में जितनी भी सच्चाई है सारी क्लियरिटी हो जाएगी 16 जून को जब पूज्य महाराज जी से मेरी मुलाकात होगी। देखिए शिवरंजनी जी, आप कितने भी गोलमोल जवाब दे लीजिए, हम लेकिन अड़े हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ये निश्चित तौर पर शुरुआत से ही कहा जा रहा है शिवरंजनी कि जैसे ही आपने पदयात्रा शुरू की, यही मकसद था कि आप फूलों की माला लेकर निकली हैं, हो सकता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वर स्वरूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि आपने अपने एक बयान में उन्हें प्राणनाथ भी कहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा विश्वास होता जा रहा है। क्या इस और संकेत आपकी तरफ से, कुछ ना कुछ तो कहिए। देखिए, आपको क्या विश्वास होते जा रहा है, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं मैं फूलों की माला लेके जा रही हूँ जो मैं पंडित जी के गले में डालने वाली हूँ, पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं प्राणनाथ से इसलिए संबोधित करती हूँ क्योंकि हमारे परम पूज्य महाराज जी अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, भगवान है वो साक्षात। तो जो हर कोई मतलब हमारे मन की हर एक बात पहचानने, एक बात भी जिससे छुपी ना रह पाए, वो अगर प्राणनाथ नहीं होगा तो फिर कौन होगा। इसलिए मैं प्राणनाथ से संबोधित करती हूँ। और रही बात शादी की, तो मैंने किसी भी न्यूज चैनल में ये नहीं कहा है कि मैं शादी ही करने जा रही हूँ या शादी का ही प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। ठीक है, चलिए, आप भले ही अभी आप ना कह रही हो, लेकिन धीरे धीरे हम आएंगे उस बात पर कि क्या मकसद है इस कलश यात्रा का और 16 जून को जो कि कहा जा रहा है क्या कुछ होने वाला है बागेश्वर बाबा के दरबार में। फिलहाल शिवरंजनी जी, हम ये समझना चाहेंगे, MBBS की आप छात्रा हैं, अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ भी साझा करिए। MBBS की छात्रा हैं, पढ़ाई चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है, आगे क्या कुछ करना चाहती हैं। देखिए, मैं MBBS परसुइंग हूँ और मैं बताना चाहूंगी, मैं बचपन से ही भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ। जब मैं करीब 4 साल की थी तब से मैं भागवत कथा और भजन संध्या, राम कथा, तमाम सभी प्रोग्राम्स करती आ रही हूँ। क्योंकि जो हमारी फैमिली है वो परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुक रखती है। जो मेरे पिताश्री है वो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के भतीजे हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी महाराज का हमारी फैमिली में बहुत बड़ा रोल रहा। मैं अपनी दादा दादी के समय से घर में आध्यात्मिक वातावरण देखती आ रही थी, इसलिए बचपन से मैं भी बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ। और मैंने अपनी 8 साल की हिंदुस्तानी गायन में डिप्लोमा भी किया है, मैंने शिक्षा ली है एशिया नंबर 1 संगीत महानगरी खैरागढ़ से और वहां की मैं फर्स्ट ऑफ मेरिट थी। और बहुत अच्छी उपलब्धियां आपके नाम शिवरंजनी है, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ाव ये कहीं ना कहीं मिसाल भी पेश करता है शिवरंजनी, जब आपका नाम लिया जाता है कि अध्यात्म के साथ साथ मॉडर्नाइज्ड कल्चर के साथ साथ आगे बढ़ना, MBBS की छात्रा होकर अध्यात्म से इतना जुड़ाव रखना बहुत अच्छी बात है। ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से युवाओं में आजकल हम देख रहे हैं अध्यात्म को लेकर उतना जुड़ाव नहीं रहता, सनातन परंपराओं को लेकर जरूर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन शायद उतना ज्ञान नहीं रहता, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मुझे जो इस बारे में लगता है कि जैसे मैं आजकल देख रही हूँ, जो जैसे हम मैक्सिमम घरों में जाते हैं और मेरी यात्रा में से मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ती चली कि आफ्टर हमें 1100 किलोमीटर करीब पद यात्रा हो चुकी है हमारी। और जहाँ पर प्रेजेंटली अभी हम हैं भरतकूप में, हम लोग चित्रकूट से प्रस्थान कर चुके हैं, वहां से कुछ 22-25 किलोमीटर आगे आ गए हैं भरतकूप में। यहाँ से जहाँ पर हम प्रेजेंटली हैं, जहाँ से मैं लाइव हूँ, यहाँ से बागेश्वर धाम करीब 150 किलोमीटर के आसपास है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसे कि इतनी लंबी मेरी यात्रा में मैं जिन जिन लोगों से मिली और जिस तरह का मुझे बेसिक कमी लगी इसके लिए, तो मैं ये कहना चाहूंगी, आजकल लोग जो बहुत ज्यादा मॉडर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, या साफ शब्दों में कहा जाए तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को नास्तिक कहने में हम भगवान में आस्था नहीं रखते, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, किसने देखा, और इन सभी बातों में जब अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड दिख रहे हैं और ये कह सकते हैं हम बहुत ज्यादा मॉडर्न दिख रहे हैं, ये बेसिकली घर के छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा बातें प्रभाव डाल रही हैं। और जैसे कि हम क्या ही बताएं, अगर हम अपने आप को सनातन बोलते हैं
तो हमें ये भी तो होना चाहिए ना कि हम अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सुबह जब वो स्कूल जाएं तो उसके पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं, आरती करके जाएं, शाम को आए तो गायत्री का माला करें और आरती करें, और इस सब में मुश्किल से 5 मिनट लगता है सिर्फ। लेकिन फिर भी जब बच्चे अपने घर में देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही कुछ इस तरह के अजीब सी सोच वाले हैं, तो फिर वो आखिरकार बच्चों के दिमाग में तो असर डालेगा ही ना। निश्चित तौर पर। और जिस तरह से शिवरंजनी हम देख रहे हैं कि शादी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई, अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हम देखें और उनकी शादी का जब जब वो जिक्र किया जाता है, मुस्कुरा जाते हैं, कहते कि परिवार के जो भी मर्जी होगी, माता पिता जिनको चाहेंगे उन्हीं को ही ब्याह कर लाएंगे घर में। लेकिन जया किशोरी की जी का जिक्र भी बहुत होता रहा, आपको भी पता होगा जया किशोरी जी के साथ उनकी जोड़ी देखी जाने लगी, कहा जाने लगा कि बहुत खूबसूरत लगेंगे एक साथ। लेकिन जिस कलश यात्रा के मकसद को कहीं ना कहीं हम लोग टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस ओर भी विचार रखती हैं आप जया किशोरी की जी के साथ? अगर चाहते हैं वो विवाह करना और विवाह हो जाता है तो क्या मीरा बनना चाहेंगी या रुक्मणी तक का ही उद्देश्य लेकर चल रही हैं? ऐसा है, अगर जो हमारी ये जोड़ियां होती हैं ये सब भगवान की देन होती हैं, और ये इसको किस्मत का, डेस्टिनी का पूरा खेल कह सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, और हम लोग ये सोचने वाले कि हम इससे शादी करेंगे उससे शादी करेंगे, हम लोग ये सोचने वाले कोई नहीं होते। और मुझे लगता है कि हम लोगों के पास में राइट्स भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सनातनी हैं तो हमारे हिंदू धर्म में अभी से नहीं, भगवान श्री राम जी के समय से शादी विवाह पर जो भी चर्चा होती है वो माता पिता गुरुदेव करते हैं। तो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का सोचने का कुछ मतलब अधिकार ही नहीं है, हमें मिला ही नहीं है। और ये सब जो फैसले होते हैं हमारे घर के बड़े लोग करते हैं। और रही बात की अगर जया किशोरी जी का अगर परम पूज्य महाराष्ट्र से विवाह हो जाता है, तो आपने एक इंटरव्यू उनका देखा भी होगा, उसमें उन्होंने उनको बहन कहा है। लेकिन अगर हो जाता है, देखिए जो भी आगे बालाजी की इच्छा होगी मुझे तो नहीं पता, और मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तो जो भी आगे होगा वो सब बालाजी की कृपा ही होगी। चलिए, बहुत समझदारी से आपने इसका जवाब दिया ये हम देख पा रहे हैं। शिवरंजनी जी, चूंकि बाबा बागेश्वर का आप जिक्र कर रही हैं, अध्यात्म से आपका जुड़ाव काफी है, ये भी जानना चाहूंगी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको इतनी ज्यादा प्रभावित करती हैं? साथ ही साथ जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि परिवार में भी काफी माना जाता है उन्हें, क्या कुछ सोच है उनको लेकर आपकी? देखिए, परम पूज्य महाराज श्री की 3 ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित करती है। सबसे पहली तो वो जिस तरह से सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। सेकंड, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है। और थर्ड, जो हर एक डॉक्टर के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाली चीज होगी, जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जो उसमें घोषणा करी है उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं तीनों जो मुझे बहुत ज्यादा उनकी पसंद है। अक्सर शिवरंजनी जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप ताल्लुक रखती हैं इस बयान से? बिल्कुल, मैं उनके संकल्प में बिल्कुल उनका अपना सहयोग देना चाहूंगी। और हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और बीच में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो सब बालाजी की कृपा से हट जाएंगे। अक्सर हमने शिवरानी जी आपको गुनगुनाते हुए भी देखा है, कई ऐसे भजन भी हमने सुने आपके जिसमें बहुत खूबसूरती से आप उल्लेख करती हैं भगवान राम का भी। चाहेंगे अगर आप कुछ गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल, अवश्य मैं सुनाना चाहूंगी। तब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ, मैं करीब 2021 से उनको फॉलो कर रही हूँ, और लिटरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब से मैं बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी हूँ, उनमें मैंने अपनी आस्था जोड़ी है, मेरी लाइफ ना टोटली चेंज हो गई। मैंने कुछ अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस किए हैं इन दो दो सालों में, तो मैं उसके लिए एक भजन डिनोट करना बिल्कुल। चाहूंगी। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की तरह नटारी, अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की तरह नटारी, अजब खेल रघुवीर का।
बहुत खूबसूरत आप गाते हैं शिवरंजनी जी। और जो वीडियो हम आपके लगातार देख रहे थे सोशल मीडिया पर, कई ऐसे सॉन्ग्स भी आपके काफी वायरल हो रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस चीज की भावना उजागर होती है कि हिंदुत्व को किस तरह से आगे बढ़ाना है। शिवरंजनी जी, एक गाना हमने सुना, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, बहुत खूबसूरती से आपने गाया, दो लाइनें अगर आप गुनगुना दें। बिल्कुल अवश्य। राम दूत हनुमान का नारा, जय श्री राम। राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत खूबसूरती से पेश करती हैं आप शिवरंजनी जी। और अध्यात्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो आपके विचार हैं, वो भी निश्चित तौर पर युवाओं को एक बड़ी कहीं ना कहीं प्रेरणा भी दे सकते हैं। जिस तरह से आप इस बात का भी जिक्र करें कि मॉडर्नाइज्ड कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में लोग इतने ज्यादा संलिप्त तो हो चुके हैं कि अपनी परंपराओं को और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब अंत में एक और प्रश्न, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ये लेकर कहा जाता है कि जब वो पर्ची निकालते हैं और जो बात उनकी तरफ से कही जाती है, बहुत मायने उसके निकाले जाते रहे सियासत में भी, लेकिन सच होती है, भक्त ये मानते हैं। आप क्या सोचती हैं इसे लेकर? मैं तो उन्हें प्रणाम करती हूँ। इसमें संदेह करना कोई गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो साक्षात बिल्कुल परमेश्वर ही मैं उन्हें कह सकती हूँ। क्योंकि मन की बात इतनी आसान नहीं किसी की पढ़ना, और जिस तरह से तो पर्ची बनाते हैं, जिस तरह से तो लोगों के नाम बोलकर लोगों को बुलाते हैं, और जिस तरह से भी वो उनके पास है दिव्य शक्ति कह लो या फिर जो भी कह लो, सुपर नेचुरल पावर जो भी आप कह सकते हैं उसको, बिल्कुल तो वो बिल्कुल अलौकिक है, हर किसी के पास बिल्कुल, नहीं यानी हो कि आप सकती। इससे और मैं बहुत इस बात तालुक का रखती हैं पूरा शिवरंजनी समर्थन जी। बहुत करती हूँ शुभकामनाएं कि वो म्यूजिक टीम की तरफ प्राणनाथ से भी है। आपको कि जिस उद्देश्य के साथ आप निकली हैं कलश यात्रा लेकर, वो भी पूरा हो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आपने सुना शिवरंजनी तिवारी, जिनको लेकर ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विवाह के मकसद के साथ वो कलश यात्रा लेकर निकली हैं। बाबा बागेश्वर के दरबार में 16 जून को पहुंचने वाली हैं। हालांकि 16 जून को बाबा बागेश्वर के दरबार में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं कहीं कहते हुए नजर आती है। बहरहाल